हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या MP बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं e-notes एंड e-book, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये आपके NCERT में चैप्टर नंबर 5 के नाम से है। और हम इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि है द RNA। ओके, तो RNA वर्ल्ड के बारे में हम देखते हैं कि RNA क्या है, कौन पहले जेनेटिक मटेरियल आया था, ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो पहले सारे के सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना है आपको पता ही है बिल्कुल, है ना, कि वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को शेयर कर दीजिए, तो इससे आपकी प्रेजेंस मुझे दिख जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करें। चलिए, सिंपल सी बात है, RNA वर्ल्ड से पहले हम RNA के बारे में जान लेते हैं। तो RNA जो है वो क्या है, RNA का फुल फॉर्म क्या है? RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब बात करें तो RNA की मैं कुछ कुछ पॉइंट लिखूंगी, है ना। तो RNA was the first nucleic acid described या discovered, right? फिर दूसरा पॉइंट क्या है, RNA जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल है, है ना। RNA वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऐसा क्यों? अभी तक तो हम DNA चल रहे थे, बट पता चला कि RNA जो है वो DNA जो है वो RNA से ही इवॉल्व हुआ है, है ना। तो फिर हमें पता चला कि पहला जेनेटिक मटेरियल जो था वो क्या था, RNA, ना कि DNA। ओके, हम बात करते हैं, ये जो है RNA की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इजेंशियल लाइफ के जो इजेंशियल फंक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसलेशन में, राइट, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में, और फिर हम बात करते हैं किसमें, आपके किसमें, स्प्लाइसिंग में। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, RNA काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व है, मतलब इन प्रोसेस के लिए RNA होना ज़रूरी है, है ना। तो इन प्रोसेस जो है इनके लिए RNA का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी प्रोसेस RNA की इवॉल्व ही है, है ना, उसी के अराउंड घूम रही है, राइट, नहीं तो वो नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉर गोइंग डिस्कशन इन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। तो हमने बोल दिया पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है। इट शैल बी डिस्कस्ड इन द डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट। ये क्या है, RNA वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। RNA क्या होता है, पहला जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? आप देखिए,
क्या बोल रहे, देयर इज नाउ एविडेंट टू सजेस्ट दिस एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. तो हम बात करते हैं आरएनए की. तो आरएनए क्या है यहाँ पर, देयर इज नाउ इनफ एविडेंट टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, राइट. तो हम लिख लें ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग, है ना, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए. तो आरएनए इन सब प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बहुत जरूरी है, राइट. तो ये पॉइंट समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए ये पॉइंट समझ में आया या नहीं. हाँ, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, बट उसके अलावा आरएनए जो है कैटालिस्ट के जैसे भी बिहेव करता है, राइट. तो हमें पता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ओके. तो देखिए, आरएनए यूज एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट. एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, ठीक है. अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं तो कैटलिस्ट जो है वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है. क्या होता है, रिएक्टिव. क्या होता है, रिएक्टिव, ठीक है. इस रिएक्टिविटी की वजह से आरएनए जो है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल. क्या हो जाता है, अनस्टेबल. मैंने क्या बोला था कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना. तो यहाँ पर क्या हुआ था, आरएनए में इवोल्यूशन हुआ. क्या हुआ, आरएनए इवॉल्व हुआ तो क्या बना, डीएनए बना. क्या हुआ, आरएनए जब इवॉल्व हुआ तो क्या बना, डीएनए. तो आरएनए की इवोल्यूशन से क्या बना है, डीएनए, राइट. इतना क्लियर है या नहीं. तो देखिए, इन्होंने कहा है यहाँ पर आरएनए यूज्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटालिस्ट. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटालिस्ट एंड नॉट बाय द प्रोटीन एंजाइम. तो हमें पता है कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, राइट. जो कि किससे बने होते हैं, प्रोटीन से. बट कुछ ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए प्रोटीन एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती. किसकी ज़रूरत होती है, आरएनए कैटालिस्ट की. किसकी, आरएनए कैटालिस्ट की, ठीक है. बट आरएनए बीइंग अ कैटालिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हैंस अनस्टेबल. पर आरएनए जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है. तो ये क्या है, अनस्टेबल है. क्या है, अनस्टेबल. यही लिखा है ना यहाँ पर मैंने. चले तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आरएनए जो है कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है, रिएक्टिव होता है एंड अनस्टेबल होता है, राइट. ये पॉइंट क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए. अब देखिए, देयरफॉर आरएनए हैज, डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए. याद रखना, डीएनए कहां से आया है, आरएनए से. आरएनए में इवोल्यूशन हुआ तो क्या आया, डीएनए. डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए ओके, विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल.
है ना, क्या हुआ आरएनए में, क्या हुआ था आरएनए जो है, आरएनए में क्या हुआ, केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ, क्या हुआ केमिकल मॉडिफिकेशन है ना, दैट मेक मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल या मोर स्टेबल न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए, राइट, जो कि क्या है डीएनए है। इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो देखिए डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए जो है वो क्या है डबल स्ट्रैंडेड है, तो डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स फर्दर रजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तो इनका कहना है कि जो डीएनए है उसमें डबल स्ट्रैंड होती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती है, तो ये रजिस्ट करती है चेंज के लिए, इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहीं पर हमारा आरएनए वर्ल्ड ख़त्म होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक था और कुछ बातें नहीं थी, जो बातें हमने पहले ही जो प्रीवियस हमारे लेक्चर थे उनमें हमने डिस्कस कर ली, वही सारी बातें थी। तो यहाँ पर हमारा द आरएनए वर्ल्ड ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ, अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, डेली बेसिस पर आप प्रीमियर वीडियोज़ एंड लाइव वीडियोज़ देख सकें और आपका किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना रहे। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर, हमारे पेज पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट कोर्स की। और इस प्लेलिस्ट में और कंप्लीट कोर्स में आपका इंक्लूड रहेगा जो थ्योरी पार्ट है आपका, वो चैप्टर का थ्योरी पार्ट प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सब के थ्रू आप अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं एंड स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है मैग्नेट ब्रेन्स? स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।